Good morning, children. How are you all? I hope all are doing very well. Children, today we will start a grammar book of chapter 3, vowels and consonants. Last previous class में अपन पढ़ चुके हैं vowels and consonants क्या होता है. बताया था मैंने आपको vowels consonants कितने होते हैं. Total 5 होते हैं. Alphabet में total letters कितने होते हैं. 26 letters होते हैं. Vowels होते हैं A, T, I, O, N. Total कितने होते हैं. 5 होते हैं. Consonants होते हैं. 21 consonants होते हैं. तो इस तरीके से अपन को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को अलग करना है. इस तरीके से अपन को छांटना है वर्ड्स के अंदर से कि वॉवल्स कौन सा है एंड कॉन्सोनेंट्स कौन सा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर इंग्लिश फाइलिंग है टी एंड एन. टी एंड एन अब मैं इसमें से आपको बोलूँ कि इसमें से आपको क्या अलग करना है. वॉवल अलग करना है. तो टी ई पी इज अ कॉन्सोनेंट. ई क्या हो गया वॉवल हो गया. एन इज अ कॉन्सोनेंट. इस तरीके से अपन को क्या करना है वर्ड्स में से स्पेलिंग में से वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अलग करना है. तो आज आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है. पिक आउट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. क्या क्या करना. पिक आउट मतलब आपको वर्ड्स दे रखे हैं इसमें से आपको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अलग करना है. आपको स्पेलिंग दे रखी है अलग अलग निकालना है कि वॉवल्स कौन से होंगे एंड कॉन्सोनेंट. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन. वर्ड वॉवल एंड कॉन्सोनेंट थ्री कॉलम हो गए. एक वर्ड का हो गया एक वॉवल का एंड कॉन्सोनेंट्स का हो गया. फर्स्ट स्पेलिंग इज ओ आर ए एन जी. अपन को इसमें से क्या अलग करना है वॉवल्स अलग करना है कॉन्सोनेंट अलग करना है. ओ इज अ वॉवल तो अपन ने वॉवल अलग किया. आर आर इज अ कॉन्सोनेंट अलग किया. ए वॉवल के अंदर था. एन इज अ कॉन्सोनेंट. जी कॉन्सोनेंट हो गया. ई कॉन्सोनेंट वॉवल हो गया. ठीक है ये कॉन्सोनेंट हो गया. अपन को इस तरीके से अलग करना है. सेकंड स्पेलिंग इज ए ई आर ओ पी एल ए एन ई एरो प्लेन. ए इज अ वॉवल अलग कर दिया. ई इज अ वॉवल. R is a consonant, O is a vowel, T is a consonant, L is a consonant, A is a vowel, N is a consonant and T is a vowel. तो ये भी complete हो गया आपकी second spelling. इस तरीके से आपको अलग करना है. Third is E N E P H A N T I N. E is a vowel, N is a consonant, E is a vowel, T is a consonant. H is a consonant, A is a vowel, N is a consonant and T is a consonant. अब पता चला किस तरीके से अलग करना है. ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूँ. कंप्लीट से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा. ठीक है ना. U M B R E L L A umbrella. U is a vowel. U A B I O U. U is a vowel. N is a consonant. B is a vowel. वो consonant. R is a consonant, E is a vowel, double L is a consonant and A is a vowel. ठीक है ना. Next spelling is handkerchief. अब इसमें देखना आपको H is a consonant, A is a vowel, N is a consonant, D is a consonant, K is a consonant, E is a vowel, R is a consonant, C is a consonant. H is a consonant, I is a vowel and E is a vowel. H is a consonant. And last spelling is I C E C R E A N. Ice cream. I is a vowel, C is a consonant, E is a vowel, C is a consonant, R is a consonant, E is a vowel, A is a consonant and M is a consonant. A क्या है vowel. चिल्ड्रन की और नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी. पहले अपन ने थर्ड कर ली थी अपन सेकंड वाली करते हैं. ठीक है ना. देखो फिल द ब्लैंक्स वॉवल टू कंप्लीट द नेम्स. फिल द ब्लैंक्स विद द वॉवल्स टू कंप्लीट. अपन को जो भी वॉवल्स फिल करने हैं उस स्पेलिंग को क्या करना है कंप्लीट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट स्पेलिंग इज आर ए टी रेड. आर ए टी रेड. रेड मींस चूहा. ए क्या हो गया वॉवल से फिल कर दिया अपन ने. डी ओ जी डॉग. डॉग मींस कुत्ता. H A T hat. Hat means झोपड़ी. P E N pen. अपन को इसमें vowel ही fill करना है. कौन सा vowel? इस तरीके से complete करना है कि spelling का meaning भी बन जाए. ठीक है ना. D O double R doll means गुड़िया. H E N hen means मुर्गी. J U G jug. Jug means पानी का जग होता है. Z I P zip. Okay complete. Students
कंप्लीट हो गई आपकी सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज. टुडे इज योर होमवर्क इज एक्सरसाइज सेकंड इन योर नोटबुक.